हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संत कृपाल स्कूल भरतपुर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस्ड रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नेगेटिव रेशनल नंबर फॉलोइंग दिस। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर राइट डाउन कर रहा हूँ, उनमें से आपको रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। सी -15 अपॉन -4, डी 1 अपॉन -2 एंड ई -5 अपॉन 7 एंड एफ इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने फॉलोइंग नंबर गिवेन है, इनमें से आपको रेशनल नंबर में क्या करना है, नेगेटिव नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे जिसमें नेगेटिव साइन यूज हुआ है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो 4/9 क्या है, नेगेटिव नंबर। तो एक तो ए वाला आंसर, दिस इज पॉजिटिव सो नो आंसर। एंड सी, सी क्या है, सी सी आपका है नेगेटिव, बट ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो सी इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर। डी, नेक्स्ट नंबर डी भी क्या है आपका, नेगेटिव रेशनल नंबर। एंड ई भी क्या है आपका, नेगेटिव। एफ कैसा है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। सो दिस इज नॉट काउंट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट, ए इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव एंड ई इज नेगेटिव रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपको, फाइंड फोर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक क्वेश्चन के, जैसे इसमें से मैं फर्स्ट टू करा रहा हूं बेटा, ए वाला आपको गिवन है, इनमें से फोर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। 6/11, 6/11 के फोर रेशनल नंबर। तो 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम किससे करेंगे, 2 से। 11 का भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 12/22, फर्स्ट तो ये हो गया आपका। सेकेंड 6/11 मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से। ओके, ये हो जाएगा आपका 18/13। ओके, थर्ड 6/11 मल्टीप्लाई 4/4, ये हो जाएगा आपका 24/44। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, 6/11 मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू 30/55। ये आपके फोर क्या हो गए, 6/11 के रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड या पार्ट ऑफ सेकेंड। Another part, for example, D is 7/-15, 7/-15, first rational number 7/-15 multiplied 2 is equal to 14/-30, second 7/-15 मल्टीप्लाई थ्री 21/-45 एंड फोर्थ 7/-15 मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू 28/-60 एंड फोर्थ 7/-15 मल्टीप्लाई फाइव 35/-75। सो 14/-30 एंड 21/-45 एंड 28/60 एंड 35/-75 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 7/-15, 7/-15। नेक्स्ट क्वेश्चन, Another part of question number second, do yourself, आपको खुद से करने। Next question of third,
थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने कहा था आपसे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी. फॉर जैसे कि ए वाला है आपका -24, तो -24 को मैंने एब्सोल्यूट ब्रैकेट में क्लोज किया और आंसर आ गया 24. एनोदर -31 upon 49, इसको एब्सोल्यूट ब्रैकेट में क्लोज किया 31 upon 49, आंसर क्या आ गया 31 upon 49. इट मींस ये नेगेटिव वैल्यू थी तो किस में चेंज हो गई, पॉजिटिव में. एनोदर पार्ट डू योर सेल्फ, आपको खुद से करने हैं. चलो एक और बता देता हूं, ई वाला 9, तो 9 को एब्सोल्यूट किस में लगाएंगे, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 9, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू कभी भी चेंज होती नहीं है, वो नेगेटिव नहीं होगी. ओनली नेगेटिव वैल्यू को अपन किस में चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, आप उनमें आप क्या करना है, फिलअप करना है. 8 upon 9 इज इक्वल टू -64 अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया है तो वो अपन 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो -8 टाइम डिवाइड होगा, उस -8 का इसमें भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वैल्यू आएगी -72. तो दिस इज नंबर इज इक्विवेलेंट नंबर. ओके, बी वाला पार्ट देखो इसी का. वन अपॉन -5 इज इक्वल टू 6 अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स. वन में मल्टीप्लाई किया गया है, वो किसका किया गया है बेटा, 6 का, तो यहां भी किसका होगा, 6 का होगा, तो 6 5 30 और ये नंबर माइनस का है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, 6 upon minus 30. नेक्स्ट इज एफ वाला पार्ट, एनोदर पार्ट यू डू योर सेल्फ. 8 upon 12 इज इक्वल टू -2 upon फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये देखिए 8 के प्लेस पर क्या आ रहा है, 2, इट मींस 8 किससे डिवाइड किया गया है, 4 से, या 2 से डिवाइड कर लो 8 को 4 टाइम, तो 4 को इससे भी डिवाइड करेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो क्या आएगा आपका 3 आएगा. क्या आएगा 3, बिकॉज ये भी माइनस का है तो ये भी किसका आएगा, माइनस में, तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, किस में आएगा, प्लस में. तो -2 upon -3 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 8 upon 12 का. सो क्वेश्चन नंबर ए बी एंड एफ मैंने सॉल्व करवाए, एनोदर पार्ट सी डी ई आपको खुद से सॉल्व करने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज यूज द, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको यूज करने हैं बेटा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन. फर्स्ट 6 पार्ट्स में से मैं आपको 3 में सॉल्व करवा देता हूं, 3 आपको करने. ओके, 3 upon 8 ब्रैकेट 4 upon 10. ओके डियर स्टूडेंट, 3 upon 8 इज लेस देन 4 upon 10. पता कैसे चला, 3 multiply 10 एंड 4 multiply 8 इट इज 30 and 32. 30 इज लेस देन फ्रॉम 32, सो साइन इज 3 upon 8 इज लेस देन 4 upon 10. नेक्स्ट सी 23 upon
40 ब्रैकेट 12 अपॉन 30. सो डियर स्टूडेंट फाइंड आउट 23 मल्टीप्लाई 30 एंड 40 मल्टीप्लाई 12. सिक्स हंड्रेड नाइनटी इज मोर देन फ्रॉम 480. सो 23 अपॉन 40 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 12 अपॉन 30. सो आंसर इज 23 अपॉन 40 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 12 अपॉन 30. नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. माइनस 3 अपॉन 7 ब्रैकेट माइनस 4 अपॉन 10. माइनस 3 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस 30 एंड माइनस 28. सो माइनस 28 इज ग्रेटर देन फ्रॉम माइनस 30. सो डियर स्टूडेंट माइनस 3 अपॉन 7 इज लेस देन फ्रॉम माइनस 4 अपॉन 10. साइन इज यूज दिस. सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 5 के अनदर पार्ट बी डी एफ आपको खुद से सॉल्व करने हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू.